मेरा घर विक्रमपुर शहर पड़ता है और मेरा नाम राजा विक्रम सिंह है। देवाधिदेव महादेव की कृपा से यह 14 कोस की रात में मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं। यह 14 कोस की रात कंचन घर महल हाथी हथियार घोड़ा घुड़सार सब है मुझे। इतना ही नहीं, देवाधिदेव महादेव की कृपा से इस हवेली में मुझे एक पुत्री है, जो मेरी बेटी का नाम यह 14 कोस की जागीर में जाना जाता है, सरोजि कुमारी। अब सोच की बात है, जिस समय मेरी बेटी का जन्म हुआ कुछ ही दिनों के बाद मेरी महारानी स्वर्गवास हो गई। मुझे सिर्फ एक ही पुत्री है, वो शादी की योग हो चुके हैं। मैं जाता हूं उनके लिए बर ढूंढने के लिए, तो कहीं घर मिलता है तो बर नहीं, कहीं बर ढंग का मिलता है तो वो घर नहीं। आज पता चला है कि मेरे दरवाजे पर उत्तमपुर शहर से कोई बर्तुहार आ रहे हैं। अपना द्वारपाल को हम आवाज लगा रहे हैं, राम महामंत्री, महामंत्री मन शेखर जी। अलग गई हान मंत्री रहिए। इस वक्त आप मुझे बुलाए हैं महाराज। हाँ, मुझे पता चला है कि कुछ बर्तुहार लोग उत्तमपुर शहर से आ रहे हैं। अपने दरवाजे पर कोई चीज व्यवस्था में कमी ना होना चाहिए। जो आ गया महाराज, इस वक्त आप हवेली जाइए, आराम कीजिए, तब तक मैं इस दरबार का रक्षा करता हूँ, देखता हूँ कौन आता है। क्यों नहीं, आप तो काम में कभी कमी कोई चीज नहीं छोड़। आइए ड्राइवर साहब, अखिलेश जी, अखिलेश ड्राइवर स्थानीय निवासी तिहार के हैं और साथ में दीपक बाबू महाराज के सीन को कद्र करके 31 रुपए का पुरस्कार दिए हैं और उनका फरमाइश भी है एक सीन के बाद पियर की फराक वाली। पियर की फराक वाली का तो चलती है ना। हेलो जी, हेलो, गड़बड़ा गया दोस्त। हेलो जी, हेलो, चलिए इसका भी आवाज ठीक है। हेलो, अब मैं यहां से अपना महल जा रहा हूं, देखा जाए इस सीन के माध्यम से आगे क्या बात है, क्या राज है। मैं महल जा रहा हूं। आइए यजुदी ने आज चलिए हो भैया जी, आ
दिल से जा मिला तो मुझे सोचना पड़ा, दिल से जा मिला तो मुझे सोचना पड़ा, दिल से जा मिला तो मुझे सोचना पड़ा, एक सिलसिला जला तो मुझे सोचना पड़ा, एक सिलसिला चला तो मुझे सोचना पड़ा, चलते चलते कहाँ या पहुँचे जी। हेलो, अरे तुम पढ़ा लिखा नहीं है जी, तब टिप्पा छाप।